जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आज के वीडियो के द्वारा हम आपको बता रहे हैं शीघ्र विदेश गमन के लिए, विदेश यात्रा के लिए अष्टलक्ष्मी शंख का अनुभूत विचित्र प्रयोग। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि जीवन में एक दफा विदेश यात्रा का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो जाए, किंतु कुछ एक भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो विदेश यात्रा कर पाते हैं। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, व्यापार एवं आर्थिक कारणों से युवा वर्ग में विदेश यात्रा की प्रतिस्पर्धा चल रही है। जिसके कारण बहुत से परिवार धोखे के शिकार भी हो जाते हैं और उनका बहुत सा पैसा फंस भी जाता है और डूब भी जाता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रबल इच्छुक है किंतु बार बार प्रयास करने पर भी उसे सफलता नहीं मिल रही, तो आज का ये प्रयोग उनके लिए ही है। ये प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हो और किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता से इसे पूर्ण करवा सकते हो। एक बार आपने ये प्रयोग कर लिया तो आपको चमत्कार स्वयं दिखाई देगा। मित्रों, ये प्रयोग बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, कई बार अजमाया हुआ है। आप भी इसे अजमा कर देखें। यदि आप विदेश जाने के शौकीन हैं, मित्रों, चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं और आज भी होते हैं। केवल विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रयोग के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठित अष्टलक्ष्मी युक्त शंख, अष्टगंध असली बलि और गंगा जल, गुलाब के पुष्प, इत्र, धूप व अगरबत्ती गुलाब जी, गाय के का शुद्ध देसी घी, लकड़ी का भट्टा, पीला वस्त्र व 1.25 किलो चावल। मित्रों, इस समय साधना के समय में आपको पीले रंग की धोती पहननी है और शरीर पर बिना सिला हुआ पीला वस्त्र आप ओढ़ सकते हो। माला, मित्रों, माला शुद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मी माला का आपको प्रयोग करना है। समय रात्रि 9 बजे के उपरांत, दिन शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार, आसन भी पीला, आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, जाप संख्या कम से कम 55,000। ये जाप आप 7 दिन, 11 दिन, 21, 31 और 55 दिन में पूर्ण करना है। जाप की संख्या जितनी आपने पहले दिन की उतनी ही रहेगी, अधिक या कम नहीं की जा सकती।
मित्रों जाप के समय ब्रह्मचर्य और सभी यम नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। पूर्णतः सात्विक मन वचन कर्म से रहना पड़ेगा। मित्रों शुक्रवार की रात्रि को स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ पीले रंग की धोती पहने एकांत कमरे में पीला आसन बिछाकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर बैठे। सामने लकड़ी के बजोड़ पर महालक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। उसके सामने 1.25 किलो चावलों की ढेरी पर अष्टलक्ष्मी शंख स्थापित करें और उससे उसके ऊपर अष्टगण से स्वास्तिक का निशान बनाएं। धूप दीप इत्र पुष्प गंगा जल से पंचोपचार पूजन करने के बाद प्रथम अपने गुरु मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत गणपति और अपने इष्ट का जाप कर उनसे सफलता अपने अनुष्ठान में सफलता की प्रार्थना करें और उनकी आज्ञा से अपना अनुष्ठान शुरू करें। मित्रों यदि आपने 7 दिन का अनुष्ठान किया या 11 दिन का अनुष्ठान किया तो 12वें दिन, यदि 7 दिन का किया तो 8वें दिन, और यदि 11 दिन का अनुष्ठान किया तो 12वें दिन आपको दशांश हवन करना है। हवन में कमल गठेगा और मिश्री पंचमेवे का गाय के घी में डालकर गोकल को का मिश्रण कर 108 कम से कम नहीं तो दशांश हवन जरूरी होता है। अगर आप दशांश नहीं कर सकते तो 108 होती तो अवश्य ही डालें। हवन में आपको प्लास की लकड़ी का प्रयोग करना है। यदि प्लास की लकड़ी ना मिले तो अभाव में आप आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो। हवन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है और हवन के उपरांत आपको माँ की आरती करने के उपरांत जो चावल और शंख है उसको पोटली बनाकर अपने पूजा स्थान या अपने लाकर तिजोरी में रखें जहां किसी बाहर के व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। और नित्य प्रति धूप दीप करें 11, 21 या 31 बार मंत्र का जाप कर अपनी मनोकामना कहें। मित्रों आप देखेंगे कि किस प्रकार चमत्कार होता है। जो इच्छा आपकी सालों से नहीं पूरी हो रही थी वो कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगी। मित्रों बहुत ही चमत्कारी और अनुभूत उपाय है
हमने इसे बहुत बार प्रयोग करवाया है और हर बार एक के साथ पीछे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी विदेश यात्रा करने के शौकीन हैं तो एक बार इसे अवश्य ही प्रयोग कर देखें। मित्रों, इसमें आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम अनंग वल्लभाय विदेश गमनाय मम कार्य सिद्धाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम अनंग वल्लभाय देश गमन गमनाय मम कार्य सिद्धाय नमः। मित्रों, इस मंत्र को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी नोट कर सकते हो, अपने सामने रखकर इस मंत्र को आप जप सकते हो। यदि आप प्रयास कर चुके हो तो एक बार इस प्रयोग को कर लीजिए और इसका अनुभव आपको सुखद अनुभव होगा, ये हमारा दावा है। और यदि आप इसको स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से संकल्प पूर्वक इसको संपन्न कराइए, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। मित्रों, इसी प्रकार की गुप्त साधनाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले अचूक टोट के शत्रु बाधा, ग्रह बाधा और प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य ही बताएं। मित्रों, काल सर्प दोष, पितृ दोष और तंत्र मंत्र की समस्याओं से यदि आप पीड़ित हैं और आप इनके उपचार करा कर थक चुके हैं, और यदि आपका विश्वास और आपका धैर्य जवाब दे चुका है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हो और मैसेज कर भी अपनी समस्याओं को हमें बता सकते हो। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली।